स्वागत है आप सभी का दी ऑर्डरिंग पे। तुर्की अपने शिक्षा प्रणाली में यूक्रेन छात्रों को शामिल करने के लिए तैयार। पीएम मोदी ने विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए पिछली सरकारों को ठहराया जिम्मेदार। झारखंड सरकार ने अपने बजट में की नई शिक्षा ऋण योजना की घोषणा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं-12वीं के बोर्ड परीक्षा डेट्स की घोषणा की। बिहार बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने की 12वीं कक्षा के आंसर कीज रिलीज। क्लेवर हावे ने एक नया इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्स जूनियर एमबीए एडवर्टाइजिंग किया लॉन्च। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन और एडियो ब्रिज ने साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में सिक्योरिटी नेटवर्क और क्लाउड में 3 कोर्सेज को किया लॉन्च। अनअकैडमी ने अनअकैडमी आइकन्स नामक एक नया शिक्षण उत्पाद लॉन्च करने की घोषणा की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने हाल ही में फाइनल प्लेसमेंट वीक के दौरान 3 दिनों के भीतर 100% प्लेसमेंट देखा। विप्रो लिमिटेड ने विप्रो अर्थियन अवार्ड्स के 11वें संस्करण का आयोजन किया। अशोका यूनिवर्सिटी ने विज्ञान के छात्रों के लिए मेरिट का मीन स्कॉलरशिप की घोषणा की। स्टूडेंट फ्रेंडली मेजर्स के बीच महाराष्ट्र ने HSC परीक्षाएं शुरू की। GMI ने MBA छात्रों के लिए प्लेसमेंट प्रक्रिया पूरी की, जिसमें हाईएस्ट पैकेज 25 लाख रुपए रहा। गोइंका ग्लोबल एजुकेशन की एक पहल, फिनलैंड इंटरनेशनल स्कूल में मीना रेपू को पुणे स्कूल का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। आकाश बाइजू के 440 छात्रों ने NTSC स्कॉलरशिप के लिए पात्र होने के लिए अर्हता प्राप्त की है। मरवाड़ा यूनिवर्सिटी ने एक्सपोलाइट टेक लैब्स के साथ MOU साइन किया। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन के छात्रों ने रबारी ट्राइब के यूनिक लाइफस्टाइल और कल्चर का दस्तावेज प्रस्तुत किया। स्टडी स्कूल की डायरेक्टर शिवानी वजीर ने इंस्टीट्यूट को 50वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए एक ओपन हाउस का आयोजन किया। LPU ने पहली बार कैंपस में ऑफलाइन क्लासेस में शामिल होने वाले छात्रों के स्वागत के लिए 1 डे फ्रेशमैन इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। यूरो स्कूल एरोली ने नई मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित एक स्वच्छता पहल में एरोली में पहली और नवी मुंबई क्षेत्र में 3री पोजीशन हासिल की है। आज के लिए था इतना ही, धन्यवाद।